पर है जहां दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल में एक घंटे में 1 इंच बारिश दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में 22 से 23 अगस्त की रात से तेज पानी बारिश हो रही है और 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि बांग्लादेश में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसके चलते तेज बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है। तो दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 48 घंटे तक जोरदार बारिश होने के आसार यहां पर बने हुए हैं। और चलिए सिद्धू करेंगे संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, दो दिन लगातार तेज बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, पिछले दो दिन से जो लगातार बारिश धीरे शुरू हुई थी, अब झमाझम बारिश का दौर है। भादो जिस उसी अंदाज में बरस रहा है जैसे तड़क भड़क कर बिजली चमक कर गरज कर साथ बारिश हो रही है और आने वाले 48 घंटों में भी यही संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने करीब 26 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट दिया है और इसका असर कल रात से ही देखने को मिला। अगर हम बात करें तो कल रात से 16 से ज्यादा ऐसे जिले थे जहां पर काफी तेज बारिश हुई। अगर बात की जाए बालाघाट हो, सिवनी, वहां पर करीब 5-5 इंच तक बरसात हुई है। लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में भी देर रात 11:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो लगातार सारी रात पानी बरसता रहा। इसी तरह आसपास के जिले जितने भी है वहां भी झमाझम बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है और प्रशासन ने भी अब अलर्ट मोड पर करीब ऐसे 26 जिले है जहां पर SDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। तो मौसम विभाग ने जो अरब की खाड़ी और बंगाल में जो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर एरिया, उसके कारण संभावना जताई है कि आने वाले 48 घंटे और काफी भारी बारिश होगी और इसी अनुमान के चलते प्रशासन अलर्ट है। शासन ने भी सभी जिलों में अलर्ट किया हुआ है, खासकर जो नदी नाले हैं, जो बड़े तालाब हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है क्योंकि लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। जो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ा है, नर्मदापुरम में भारी अलर्ट है, इस कारण वहां पर आसपास के गांव में भी अलर्ट कर दिया गया है। जो डैम है जिनके गेट खोले जाने की संभावना है उनके आसपास भी गांव में अलर्ट किया गया है। तो आने वाला 48 घंटे MP में काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां आदिवासी समाज के भारत बंद के दौरान दो मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पहला, नेशनल हाईवे 43 में चक्का जाम करने पर 16 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। जबरन दुकान बंद करने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल भारत बंद के दौरान देखा जा रहा था कि जबरन जो व्यापारी हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती करके दुकानों को बंद कराया जा रहा था और इस पूरे मामले को लेकर 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने। जबरन दुकान बंद करवाने के चलते जब शिकायत पाई गई उसके दौरान ही 16 लोगों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। धरना प्रदर्शन की सूचना थी परंतु उनके द्वारा जो चक्का जाम किया गया है उसमें कुछ लोगों का 15-16 लोगों का नामजद और अन्य कई लोगों के खिलाफ में ना अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दुकानें एक दुकानदार की शिकायत पे जबरदस्ती दुकान बंद करने के प्रयास पर भी एक दूसरा प्रथम सूचना पत्र, दो मामले दर्ज किए गए कोतवाली में और